नीट और नेट एग्जाम पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच से जुड़े कुछ अहम तथ्य हम आपको बता रहे हैं। सीबीआई ने शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर नीट एग्जाम पेपर लीक मामले को लेकर आईपीसी की धारा 420 जो कि धोखाधड़ी से जुड़ी हुई है इसके तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा एक और धारा लगी है 406 यानी अमानत में खयानत की धारा और 120B जिसमें आपराधिक साजिश का मामला बनता है। इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई ने ये एक नया केस दर्ज किया है। सीबीआई बिहार पुलिस से उनकी केस डायरी और एफआईआर की कॉपी ले चुकी है। आपको बता दें कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले हुए हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की पूरी जांच 4 चरणों के बीच की है, तो सीबीआई इस मामले को अपने हाथ में ले चुकी है। सीधे हम रुख करेंगे, संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, ये जो अब नई एफआईआर की बात सामने आ रही है इसकी डिटेल्स क्या है? देखिए, सीबीआई ने जो नई एफआईआर की है वो शिक्षा मंत्रालय की जो कंप्लेन है उसके बेस पर हुई है। अब इसी एफआईआर की जो जांच जो है वो सीबीआई ने शुरू कर दी है और उस सिलसिले में सीबीआई की दो टीमें हैं, एक पटना में है बिहार में और दूसरी गोधरा में है, जहां पर राज्यों की पुलिस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज हुई है उन एफआईआर को सीबीआई टेक ओवर कर रही है, वहां जो केस डायरी है उनको टेक ओवर कर रही है। साथ में जो आरोपी अरेस्ट किए गए हैं अब तक उनको सीबीआई अपनी कस्टडी में लेगी और जांच करेगी। इसके साथ में जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है वो 4 चरणों में है। पहला चरण जहां पर नीट का पेपर छापा गया, दूसरा उसका ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा जहां पेपर स्टोर किया गया और चौथा जिन सेंटरों में ये पेपर जो एग्जाम था वो हुआ वहां पर जो पेपर लिया गया, इन 4 चरणों में कहां पर लीकेज हुआ है, कहां पर कमी रह गई, उसकी जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई के मुताबिक जो नीट की परीक्षा होती है और खासतौर से जो एनटीए है वहां पर परीक्षा करवाने का जो प्रावधान होता है वो काफी सीक्रेट होता है, तो ऐसे में कहां पर इस तरह से पेपर में कमी हुई, कहां पर इस तरह से लीकेज हुआ कि पेपर लीक हो गया, इसको लेकर जांच चल रही है। वहीं जो अधिकारी जो एनटीए के जो सीधे तौर पर इस एग्जाम को करवाने से जुड़े हुए हैं उन अधिकारियों के बारे में भी सीबीआई जांच करेगी। वो सारे अधिकारी सीबीआई के राडार पर हैं, उनसे भी जांच की जाएगी। इसके साथ ही सीबीआई ने अब तक जांच में 8 फोन सीज किए हैं। इन फोन को सीएफएसएल जांच के लिए भेजा गया है, यानी कि जो सीबीआई की सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है वहां पर इन फोन्स को जांच के लिए भेजा गया है। इन फोनों में क्या डेटा है, लोग किस किस से बात कर रहे थे, उसकी जांच ये करेंगे। इसके साथ में जो सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि सीबीआई के पास 1000 लोगों का डेटा है, यानी उनके फोन नंबर्स हैं, उनके डिटेल्स हैं, उनकी फोटो हैं। ये वो लोग हैं जो अब तक देश के अलग अलग एग्जाम में जो पेपर लीक हुए हैं उनमें या तो एक्यूज यानी आरोपी रहे हैं या फिर उनसे जुड़े रहे हैं। ऐसे 1000 लोगों का डेटा सीबीआई के पास है जो सीबीआई ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है। उस डेटा से इस केस में जितने लोग नाम सामने आ रहे हैं उनके नामों को मैच किया जाएगा और सीधे तौर पर सीबीआई को मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं। तो उस डेटा की भी स्टडी की जा रही है और डेटा से जो अब तक एक्यूज पकड़े गए हैं या जो इनके नाम आ रहे हैं उनको उस डेटा से मैच किया जाएगा। तो सीबीआई जो जांच कर रही है उसमें मैनुअल जांच के साथ साथ जो तकनीकी जांच है, जो साइंटिफिक जांच है, उसको भी सीबीआई कर रही है ताकि इस केस को अपने अंजाम तक वो पहुंचा पाए। जी जी मुकेश, आपने बताया कि सीबीआई अपनी जांच को 4 चरणों में लेकर चल रही है, यानी कि जो अलग अलग स्टेजेस हैं टेस्ट से जुड़ी हुई उनको अपनी जांच के दायरे में वो ले रही है, वो उसके तहत वो जांच को आगे बढ़ाएगी। लेकिन सवाल मेरा यह है कि जो लोग पकड़े गए हैं, जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनसे पूछताछ का सिलसिला कब से शुरू हो जाएगा? दूसरा सवाल, जो एनटीए के अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं उनसे पूछताछ का सिलसिला कब से शुरू हो जाएगा? देखिए, जो लोग पकड़े गए हैं उनसे बहुत जल्दी ही पूछताछ शुरू होगी, क्योंकि सीबीआई ने केस डायरी और जो एफआईआर है वो अपने कब्जे में ले ली है, तो बहुत जल्दी ही सीबीआई जो बाकी के आरोपी पकड़े गए हैं उन्हें अपनी कस्टडी में लेगी। लेकिन जो सीबीआई के सूत्र है उनका कहना यह है कि इस केस में लार्जर कॉन्स्पिरेसी की जांच करनी है, क्योंकि ये तो वो चेहरे हैं जिन्होंने पैसे दिए या जो सॉल्वर है या जो पेपर लीक करने वाले हैं, लेकिन इसके पीछे बड़े चेहरे कौन हैं? जब 30 से 40 लाख रुपए में एक पेपर बेचा जा रहा है तो निश्चित तौर पर इसके पीछे
हो सकता है कि एनटीए के कोई जो बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं वो भी इसमें शामिल हो, एनटीए के कुछ अधिकारी शामिल हो, या और बड़े चेहरे इसके पीछे हो सकते हैं। तो सीबीआई के मुताबिक वो एक कॉम्प्रिहेंसिव जांच कर रही है, एक व्यापक जांच कर रही है, और साथ में लार्जर जो कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे उसको लेकर वो जांच कर रही है। और जो अभी तक एक्यूज पकड़े गए हैं अलग अलग राज्यों में, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या फिर बिहार हो, उन आरोपियों से सीबीआई तो पूछताछ करेगी, लेकिन सीबीआई इसके पीछे कौन लोग हैं, पर्दे के पीछे कौन लोग हैं, उसको लेकर भी जांच कर रही है। और निश्चित तौर पर जो एनटीए के अधिकारी हैं वो सीबीआई के रडार पर हैं, और अगर ये जांच में आता सामने आता है कि एनटीए के अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हैं तो वो भी गिरफ्तार किए जाएंगे। यानी कि जो आरोपी अब तक पकड़े गए हैं उसके अलावा एनटीए के अधिकारी अगर जांच में उनके नाम सामने आए तो उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। जी मुकेश, जब से ये मामला सामने आया है तो ये मामला जो शुरुआत में इसको लेकर सवाल उठे वो ग्रेस मार्क्स के इर्द गिर्द पूरे मामले को लेकर सवाल उठते रहे। 1563 छात्रों की बात होती रही, उनकी द्वारा परीक्षा की बात होती रही, ये कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है पेपर लीक जैसा। लेकिन अब जैसे जैसे ये केस खुल रहा है और इसके तार अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं, झारखंड में जा रहे हैं, बिहार में जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में इसके मामले के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये मामला अब मान लिया जाए कि ये एक प्रकार से ओपन होता जा रहा है पेपर लीक के तौर पर ही? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो एनटीए का जो मामला है, जो पेपर गड़बड़ी का मामला है, इसमें जो गड़बड़ियां हैं वो कई चरणों में है। एक तो ग्रेस मार्क को लेकर गड़बड़ी है जिसमें पहले से आरोप लग रहे थे। दूसरा, जो बिहार पुलिस ने जांच की उसमें ये बात सामने आ गई है कि पेपर लीक हुआ था, तो पेपर भी लीक हुआ है, सॉल्वर भी बैठे हैं एग्जाम में, ये बात भी सामने आई है। तो इस पूरे एग्जाम में कई चरणों में गड़बड़ी है और सीबीआई इस एग्जाम के हर चरण को देखेगी, कहां कहां पर गड़बड़ी हुई, कहां कहां पर पेपर लीक किया गया, ग्रेस मार्क देने का जो प्रावधान था वो सही था या गलत था। तो सीबीआई की जांच के दायरे में इस एग्जाम को लेकर सारे एंगल से, वो सारे एंगल से जांच करेगी और ये देखेगी कि कहां कहां पर गड़बड़ियां हुई हैं, और जो जो लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो कितने भी बड़े लोग हों, जो सीबीआई के सूत्र हमारे बता रहे हैं कि कितने भी बड़े लोग इसमें शामिल हों, सभी को किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो पेपर लीक करने वाले हों, एग्जाम सेंटर में बैठने वाले हों, या फिर पेपर बेचने वाले हों, या फिर सॉल्वर हों, या फिर उसके पीछे लोग हों, सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, विस्तार से इतनी व्यापक जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।